नमस्कार सर। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मेरा नाम है हर्ष गर्ग और हमारी कंपनी का नाम है राजसन एग्रो इंजीनियर्स। हम जो है पंजाब में अहमदगढ़ में स्थित है। जैसे कि आपने पहले भी देखा है, हमारे पास जो है हमारा ब्रांड स्प्रेमैन, जिसके अंदर हम कई तरीके की जो है वो ब्रांडेड और बहुत ही इनोवेटिव मशीनरी, फार्म मशीनरी लेके आते हैं, किसी कृषि यंत्र जिसका इस्तेमाल करके ना ही किसान अपनी जो है खेती को लेबर से बचा सकता है, बल्कि उन्हें किराए पे चला के 2 रुपए और कमा सकता है। तो उसी के चलते हुए हम जो है ये रीपर लेके आए हैं। गेहूं का कटाई का सीजन चल रहा है गुजरात में, जो है वो फरवरी महीने में शुरू होने वाला है, और जो है कुछ नया साल का टाइम चल रहा था, तो मैं सोचूं कि नए साल पे कुछ किसानों को ऑफर दिया जाए। तो उसके चलते हुए मैंने जो है आज यहाँ पे जो है वो सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, पावर रीपर जिन्हें बोलता है, वो लेके आया हूँ। इन रीपर की जो कटाई का एरिया है वो 4 फीट चौड़ा इनका जो है वो कटर है, और ये जो रीपर है ये चैन वाले हैं, बेल्ट पटे वाले नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो रीपर होते हैं जैसे ट्रैक्टरों में होते हैं या मार्केट में जो देसी रीपर मिलते हैं, तो उनमें यहाँ पे पटा होता है। तो पटे के अंदर दिक्कत ये है कि जब पटा जो है वो समय से जैसे खिंच जाता है, गर्म होता है, मशीन आपकी आधा घंटा चली पटा गर्म हो गया घूम घूम के, तो वो जो है ढीला पड़ गया, ढीला पड़ गया तो उसके अंदर फसल जो है वो फंसने लग जाती है, या वो जो है रिबेट से खिंच के या बोल्ट से खिंच के वो टूट जाता है, फिर मार्केट में भागो भैया नया पटा लेके आओ, उसको बांधो और बंधवाओ, निकल गया एक दिन सारा और गया आपका कटाई का उस दिन का समय। और फिर दिक्कत आती है पटे वाले में, वाइब्रेशन बहुत है क्योंकि पटा जो घूमता है वो रोलरों पे घूमता है, तो वाइब्रेशन बहुत आती है, और जो उसके ब्लेड भी होते हैं वो बहुत ही जल्दी कटाई करके 30 एकड़ 40 एकड़ 50 एकड़ कटिंग करके वो खत्म हो जाते हैं। पर हमारे स्वेपर के अंदर जो है वो हमने चैन लगाई है। चैन में क्या होता है कि जो आप जैसे साइकिल की चैन है उस तरीके से ये चलता है, तो इसके अंदर एक तो वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है और ये जल्दी जल्दी ढीली नहीं पड़ती, ढीली पड़ भी गई तो इसके अंदर पीछे गरारियों में एडजस्टमेंट दे रखी है जिससे आप जो है इसकी चैन को और टाइट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखिए इतनी चूड़ी जो है एडजस्टमेंट हमने इसके अंदर रखी है, जैसे जैसे चलती रहेगी ये लॉक है रिवर के, खाली लॉक जो है वो काट के, जैसे अगर आपका खराब भी होगा तो रिवर रख के दोबारा वहीं पे मौके पर ही हो जाता है, आपको भागने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा स्पेयर हम साथ में देते हैं। और जो इसके ब्लेड है, जो इसके ब्लेड है वो फॉर्जिंग के ढलाई के ब्लेड बने हुए हैं, इसके ऊपर भी ब्लेड है और नीचे भी ब्लेड, आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर जो है वो 2 ब्लेड लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो है ऊपर और नीचे जो है आप देख सकते हैं, मैं आपको कटिंग कटर इसका चलता हुआ दिखाता हूँ, ऊपर भी ब्लेड है और नीचे की तरफ भी ब्लेड है, जिससे जो कटिंग में जो है वो और ज्यादा मजा आता है। तो ये आप ऊपर नीचे के जो ब्लेड है इसमें आपका कटिंग की जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया आता है, और ब्लेडों की लाइफ भी ज्यादा है, ये जो है वो 200 से 250 एकड़ कटिंग के बाद बदले जाते हैं। टायर हमने इसमें चौड़े लगाए हैं, देख सकते हैं कि चौड़े टायर लगाए हैं, तो जिससे आपका जो मेड़ वगैरह है उसको लांगना आसान रहता है, और जो धान के जैसे खड़े पानी में भी ये कटाई कर देता है। गुड्डी बड़ी रखी हुई है ताकि ग्रिप अच्छी बनी रहे, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसके हैंडल आप देख सकते हैं कि लंबा हैंडल इसमें दिया गया है, और जो इसके दोनों हैंडलों में ब्रेक दे रखी है, आपको दाएं मुड़ना, आप दाएं की ब्रेक दबाएंगे आपका मशीन जो है वो दाएं की तरफ घूमेगा, बाएं का दबाओगे तो बाएं की तरफ घूमेगा, तो ये जो है इसके अंदर ब्रेक सिस्टम डिफरेंशियल सिस्टम दे रखा है ताकि आपको जो है घुमाने करने में कोई दिक्कत ना आए, लगातार आपकी मशीन जो है वो चलती रहे, किराए पे आप अच्छा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके इंजन की। तो सर जी, इंजन इसमें आपने कौन सी कंपनी का यूज करते हो, जैसे पेट्रोल वेरिएंट में इंजन कौन सी कंपनी का लगाया है? इंजन जो इस मशीन का है वो एक तरीके का दिल समझा जाता है जी, क्योंकि इंजन ही स्टार्ट नहीं हुआ तो बाकी कितनी मशीन लेके क्या करोगे, जितनी मर्जी बढ़िया मशीन हो इंजन बेकार हुआ तो मशीन नहीं चलेगी। तो इसके अंदर हमारे पास पेट्रोल के अंदर एक तो स्प्रेमैन कंपनी का ही इंजन आता है जिसका ये रिपर है, और इसके अंदर एक होंडा का इंजन आता है। होंडा का इंजन जो है आप देख सकते हैं इसमें 7 HP का होंडा का इंजन लगा हुआ है, और ये इंजन जो है वो ISI है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ISI इंजन है इस कंपनी का होंडा का, जिसकी 2 साल की जो है वो गारंटी आती है। और इसके अंदर जो एयर क्लीनर दिया गया है होंडा इंजन के अंदर, वो जो है हमने तेल वाला एयर क्लीनर इसके अंदर दिया है, आप देख सकते हैं कि इस कटोरे के अंदर जो है वो तेल रहता है और ये जो है फोम है, तो ताकि जैसे आप गेहूं के वक्त बहुत, चलो धान में तो फिर नहीं, गेहूं के वक्त बहुत मिट्टी उड़ती है कटिंग के वक्त, तो वो मिट्टी अगर इसके अंदर एयर क्लीनर नॉर्मल होगा तो वो जो है मिट्टी खींच जाएगा और इंजन खत्म हो जाएगा, पर इसके अंदर जो है वो पेपर वाला नहीं तेल वाला एयर क्लीनर दिया गया है, जिससे जो है मिट्टी ये तेल में ही रहे और इंजन के अंदर ना जाए। स्टार्टिंग बहुत ही आसान है, इसके अंदर रस्सी जो है पेट्रोल इंजन है, पहली रस्सी में स्टार्ट हो जाता है, 3.5 लीटर की इसकी जो है वो पेट्रोल टंकी है, और ये जो है इंजन लगातार जो है वो 5-6 घंटे आसानी से चल सकता है बिना थके, और रेस्ट इसको आधे घंटे की मात्रा चाहिए। इसका जो गियर हमने जो है इसके अंदर 3 गियर लगाए हैं, 2 गियर इसके आगे की तरफ है, पहला गियर कटिंग के लिए, दूसरा गियर सड़क पर चलाने के लिए, और एक इसके अंदर बैक गियर भी है ताकि अगर आपको इसको जो पीछे लेके आना हो लेके भी आ सकते हैं, और अगर आप इसके साथ शीट अटैच करना चाहते हैं तो ये देखिए आप पड़ी है यहाँ पे शीट, तो इस तरीके की आप शीट भी जो है इसके अंदर अटैच कर सकते हैं,
ये शीट इसी के पीछे जुड़ जाती है ताकि आप जो है बैठ के कटिंग करना भी चाहते हो तो मतलब जो लोग किराए पे करना चाहते हैं या खेत आपके लंबे लंबे हैं तो आप बैठकर भी कटिंग कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि पैदल ही चढ़ना पड़े या सड़क पर चलानी है तो बैठ के कटिंग हो जाती है। और इसके अंदर मैं बताऊंगा कि ये जो है वो अपना जो है इसके अंदर आपको जो गियर बॉक्स के अंदर जो है वो भी पूरा बड़ा गियर बॉक्स 2.5 लीटर का 3 लीटर का इसका गियर बॉक्स है, इसमें 3 लीटर गियर वाला डलता है, थोड़ा बड़ा हैवी लंबा गियर बॉक्स हमने इसके अंदर जो है बनाया गया है जिसके अंदर ये जो है आपकी ताकि गियर की लाइफ सालों साल चलती रहे, 15 से 18 साल तक इसको कोई सर्विस मेंटेनेंस की गियर बॉक्स की तरफ से ना आए। रीपर के अंदर भी हमने यहाँ पे गियर बॉक्स लगाया है, आप देख सकते हैं इस गियर बॉक्स को जो है वो कंट्रोल करता है, यहाँ से आप देख सकते हैं लीवर लगा हुआ है तो ये जो है आप देखिए यहाँ से जो है अगर अभी हमने जो है रीपर अपना बंद हो जाएगा और यहाँ से हम छोड़ देंगे तो रीपर इसका चलना शुरू हो जाएगा। तो मतलब अगर आपको सड़क पे चलाना है तो खाली टायर चलेंगे, खेत में चलाना है तो टायर और रीपर दोनों चलेंगे, मतलब आपके हाथ में सारा कंट्रोल रहेगा। और अगर इसमें हमारे पास डीजल इंजन भी उपलब्ध है, डीजल इंजन में हमारे पास इसके अंदर कामा कंपनी का जो है वो 9 HP का डीजल इंजन उपलब्ध है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसके अंदर चाबी दे रखी है तो सेल्फ स्टार्ट है। हाँ जी हाँ, और रस्सी स्टार्ट भी है, अगर आप जैसे इसमें रस्सी खींचना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जो है रस्सी खींच के भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टार्ट और रस्सी स्टार्ट दोनों इंजन हमने जो हमारे डीजल इंजन के अंदर रखे हैं, कामा कंपनी का ओरिजिनल डीजल इंजन हमने इसके अंदर इस्तेमाल करा हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ भी लिखा हुआ है, हेड के ऊपर भी इसके अंदर जो है वो लिखा गया है। डीजल इंजन हम लोगों को तब प्रेफर करेंगे कि अगर आपके एरिया में जो है वो डीजल पेट्रोल का जैसे रेट में बहुत ज्यादा अंतर होता है, वरना आप पेट्रोल इंजन पर ही जाइए, बढ़िया रहेगा। डीजल इंजन तभी लीजिए अगर आपके क्षेत्र में रेट का फर्क बहुत ही ज्यादा है। और इसके अंदर आप हमारे पास हमने 3 यहाँ पे रीपर मॉडल रखे हैं, इनके अंदर इंजन के साथ साथ जो है वो कटर में भी हमारे पास फर्क आता है। ये जो दोनों रीपर पड़े हैं हमारे पास दोनों में इसमें होंडा का इंजन डीजल का इंजन है, इनमें सिर्फ फर्क इंजन का है, कटर भी सेम है। ये जो कटर है ये आपका 2.5 फीट से लेके 7-8 फीट तक की फसल जो है, मतलब मैं खुद 6 फुट का, मेरे से भी जो 2 फीट ऊंची फसलें हैं वो आसानी से काट के आप एक तरफ गिरा सकते हो, 4 फुट की लाइन जो है इकट्ठी लेता जाएगा और काट के एक तरफ गिराता जाएगा, जमीन से मात्र 1.5 इंच ऊपर काटेगा। और अगर आप चाहते हो कि भैया मेरे को जो है वो और छोटी फसलें जैसे कि उड़द हो गई, मूंग हो गई, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, तो ये काटनी है जिसकी हाइट जो है वो 1.5 फुट है मात्र, तो फिर ये रीपर तो काम नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास वो लो हाइट का रीपर आप देख सकते हैं, जैसे 90 दिन की सोयाबीन होती है जी या चना होता है तो उसकी हाइट होती है वो मात्र 1.5 फुट की, इतनी हाइट ही होती है, तो उसके लिए ये रीपर बनाया। इस रीपर और इस रीपर में क्या फर्क है आपको शायद मैं कैमरे में दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो रीपर की जो चेन है जो काटने वाले ब्लेड है वो थोड़ा नीचे है इसके मुकाबले, जो है आपको दिखाऊंगा कि इसके मुकाबले जो है ये थोड़ा नीचे है, जिस वजह से ये जो है वो छोटी फसलों को भी काट के, बड़ी तो काटेंगे ही काटेंगे, छोटी फसलों को भी काट सकते हैं। तो इसके अंदर जो है आप 1.5 फुट से लेकर 6 में आपका चना हो गया, सोयाबीन हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया या छोटा मक्का हो गया वो आप सब काट के, बाजरा हो गया ये आप काट के एक तरफ गिरा सकते हो, ये भी 4 फुट का कटर है, एक तरफ काट के गिराता जाएगा। कई बार मेरा किसान भाई इसको चला रहा है तो एक्स्ट्रा इसका ब्लेड टूट गया या इसकी जो व्हाइट वाली पंखड़ी है वो टूट गई, कोई क्लच वायर वगैरह वो टूट गई, तो इसके साथ आप क्या देने वाले हो किसान भाई को, थोड़ा सा रेट भी बता दीजिए। सर पहले हम बताते हैं कि हम क्या देने वाले हैं फिर रेट की बात करेंगे। तो सबसे ये बैग जो है ये एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट का बैग किसान को मिलने वाला है और ये जो है टूल बॉक्स का डब्बा मिलने वाला है। तो इसके अंदर जो मैं आप दिखाना चाहूंगा कि आपको सामान हम क्या क्या देने वाले हैं, इसके अंदर देखिए सबसे पहले तो बात आती है कि वायर की, तो आप एक्स्ट्रा वायरिंग जो है हम जो है वो दे रहे हैं, ब्रेक वाली हो ठीक है वो वायर सब हम इसके अंदर एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और फिर बात आती है कि ब्लेडों की, जैसे आपने बोला कि ब्लेड टूट गए तो अब क्या करेंगे भैया हम, तो ब्लेड अगर कोई किसान भाई के टूट जाते हैं तो इसके अंदर 4 ब्लेड जो है हम एक्स्ट्रा साथ में देते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें 2 ब्लेड होते हैं, एक बड़ा ब्लेड एक छोटा ब्लेड, क्योंकि मैंने आपको बताया ये डबल कटर है तो ये कुछ जो है ऊपर नीचे इस तरीके से कटिंग करता है। और ये ब्लेड की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, देखिए टेम्पर करे हुए हैं जो जलने का निशान है, ये मतलब टेम्पर करके ब्लेड बनाए हुए हैं। तो ये ब्लेड 4 ब्लेड एक्स्ट्रा मिलेंगे, उन्हीं के जो है रिवेट लॉक जो है वो आपको साथ में मिलेंगे, ये चेन के टुकड़ियां एक्स्ट्रा आपको साथ में मिलेंगी, चेन टूट गई कई बार टूट गई तो वो चेन में मिल जाएगी, ये लॉक वगैरह आपको एक्स्ट्रा साथ में मिलेंगे। और बाकी जो है वो नट बोल्ट इसके अंदर पड़े हैं, ये छोटी छोटी चीजें साथ में मिलेंगी। और साथ में हम इस तरीके की पंखुड़ियां जो इसके यहाँ पे आगे कटर में लगी होती है, ये पंखुड़ियां जो है वो भी साथ में आपको 2 पीस एक्स्ट्रा देंगे। वैसे तो हम मान के चलते हैं कि कभी कुछ हो गया तो आपको काम ना रुके, क्योंकि कटिंग का काम होता है 15 दिन का, अगर उसमें भी मशीन की रिपेयर में निकल गए दिन हफ्ता तो क्या फायदा। तो इस चीज के लिए जो है
हम सब किसानों का ध्यान रखते हुए स्पेयर पार्ट साथ में देते हैं ताकि किसान को कोई दिक्कत ना आए बाद में। और तो सर अभी रेट की बात की जाए जी, रेट की मेरे किसान भाई और लेने का प्रोसेस क्या है? ठीक है, मैं देखा मेरा महाराष्ट्र में बैठा है, हिमाचल में बैठा है, तो वो कैसे मंगवा पाएगा? अगर मेरा कोई किसान जम्मू का है, चाहे वो कर्नाटक तेलंगाना का है, या वो क्षेत्रीय मित्र मेरा जो है महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, तो उनके लिए जो है मैं आपको सभी को प्रोसेस बताना चाहूंगा। हम पंजाब में है, सबसे पहले पंजाब में आना चाहते हैं, हम पंजाब में आ सकते हैं, नहीं आ सकते तो अपना फोन उठाइए, नंबर दिख रहे हैं उस पर फोन कीजिए, जानकारी लीजिए, जो भी पूछना है पूछिए, दुविधा अपनी दूर कीजिए। पसंद आने पर आपको अगर इसको लेना है तो आप इसको बुक करा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले इनकी कीमत बता देता हूँ, फिर बुकिंग अमाउंट का भी बता देता हूँ। तो बात करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो ये 4 फुट का रिपर है, इसके अंदर अगर तो आपको जो है 7 HP पेट्रोल इंजन स्प्रेमैन का चाहिए, तो वो इंजन के साथ आपको ये पड़ने वाला है 1,20,000 का, घर पे डिलीवरी के साथ 4 फुट का कटर, ये स्पेयर पार्ट का बैग, चौड़े टायर, और ये जो है 3 गियर वाला मॉडल, 2 आगे 1 पीछे, और जो है ब्रेक सिस्टम के साथ, ये सब सामान आपको जो मिलने वाला है इस मशीन के साथ वो मिलेगा मात्र 1,20,000 का। और अगर कोई इसमें होंडा का इंजन लेना चाहता है तो वो आपको पड़ेगा 1,35 का, उसकी भी फ्री होम डिलीवरी है, और अगर घर तक डिलीवरी फ्री है, कोई ट्रांसपोर्ट तक नहीं, घर तक जो भी आप हमें पता दोगे वहां पे आपकी जो है वो डिलीवरी होगी। और अगर कोई इसमें लेना चाहता है डीजल इंजन, हमारे पास डीजल इंजन में भी जैसे आपको बताया है, तो डीजल इंजन का जो ऑप्शन है वो आपको साथ में देंगे, तो डीजल इंजन के साथ ये मशीन आपको पड़ने वाली है 1,45,000 का, मात्र 1,45,000 घर के अंदर पहुंचा के। GST भी बीच में है, किराया भी बीच में है, ट्रांसपोर्ट का इंश्योरेंस भी बीच में है। ठीक है, हम इसके प्रोडक्ट के ऊपर जो 5,000 तक का इंश्योरेंस बेचकर करते बेचते हैं वो भी इसके अंदर ही है, ताकि अगर रस्ते में कोई दिक्कत दुविधा कुछ टूट फूट होती है तो उस इंश्योरेंस के पैसों से हम किसान को जो है वो उसका स्पेयर पार्ट उसको दे दे, ताकि उसको भागने की जरूरत नहीं कि भैया ये खराब हो गया ट्रांसपोर्ट में, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है वो ये जो है सामान फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और सोयाबीन वाला कटर की बात की जाए तो उसका रेट क्या रहेगा? सर जो सोयाबीन वाला कटर है, अगर कोई वो सोयाबीन कटर वाला लेना चाहता है तो उसका जो रेट है वो थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि उसके अंदर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा सामान जो है वो डबल करना पड़ता है, क्योंकि चेन भी नीचे लेके आए हैं तो कन्वेयर और रॉकर थोड़ी बदलनी पड़ती है, तो इसका जो है वो पड़ता है, अगर हम स्प्रे मैनिंग के इंजन में जाएंगे तो 1,25 का, होंडा के इंजन के अंदर 1,40 का, और डीजल इंजन के अंदर 1,50,000 रुपए का पड़ेगा। ये पर उनके लिए है जिनकी फसलों की हाइट 1.5 फुट से लेकर 6 फुट के अंदर अंदर होती है कटिंग वाली। और लेने का प्रोसेस का मैंने आपको बता दिया, बुकिंग अमाउंट जो है इनकी किसानों को जो हमारे कंपनी के नंबर पर फोन है उन पर फोन करेंगे तो 10,000 रुपया बुकिंग अमाउंट जो है वो इन मशीनों की हमारे कंपनी में डालनी है, और साथ ही साथ आपको अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी या अंग्रेजी में जो आपका पता है वो भेजना होगा, तो तब उस पते पे हम जो मशीन यहाँ भिजवाएंगे, जब मशीन आपके नजदीकी ट्रांसपोर्ट में पहुंच गया आपको फोन आएगा, भैया आपकी पंजाब से मशीन आई है तो बाकी का पैसा कंपनी को दे दीजिए, ताकि हम जो आपकी मशीन आपको घर पे डिलीवर कर दे। तो देखिए मेरे किसान भाई, सर ने बढ़िया जानकारी दी इनके बारे में, तो ज्यादा से ज्यादा बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर कॉन्टेक्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जानकारी लीजिए, ताकि आपको ऐसे बढ़िया क्वालिटी के रीपर मिल पाए।